प्रवासियों को नहीं मिली सहायता धनराशि, राशन भी जब्त कर बैठे जिम्मेदार। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों से अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि को लेकर जमकर लूट मचाई है। प्रवासियों को मदद के तौर पर मिलने वाली धनराशि व राशन जब्त संबंधित कर्मचारी ही जब्त कर बैठे हैं। दरअसल मामला हमीरपुर जनपद के मोदहा क्षेत्र का है, जहां के रोहारी निवासी तकरीबन एक दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांतों से अपने घरों की ओर लौटे थे, लेकिन पहले वह अपने घर ना जाकर विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हो गए, जिसको लेकर शासन के दिशा निर्देश जारी हुए कि क्वारंटीन किए गए लोगों को प्रतिमाह 1,000 रुपये 3 माह तक दिया जाएगा। लेकिन आज तक क्षेत्र के रोहारी गांव के प्रवासियों को ना तो सहायता राशि मिली और ना ही राशन संबंधी किसी भी योजना का लाभ मिल सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जरूरी कागजात ग्राम प्रधान व लेखपाल को सौंप दिए थे, लेकिन लेखपाल के द्वारा मांगी जा रही घूस न देने पर किसी को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, जिससे आहत सभी प्रवासियों ने उप जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। नारायण वर्मा नाम सर, क्वारंटाइन से आए थे हम बाहर से, न कोई पैसा मिला न कोई व्यवस्था मिली। लेखपाल से कहा तो लेखपाल 200 रुपये मांगता है, कहीं मोड़ा बुलाता है, कहीं हथभरुआ बुलाता है, कहीं ग्राम लोहारी बुलाता है, 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन कोई व्यवस्था न हुई, न राशन मिला न पैसा मिला। कितने दिन से आप लोग घूम रहे हैं ऐसे? 3 महीने हो गए साहब घूम रहे। लेखपाल क्या कहता है? लेखपाल कहता है 200 रुपये में व्यवस्था करते हैं। फिर एक बार लेखपाल से बोला, रहा कहता है कि ना तुम्हारी ज़रूरत है, ना तुम्हारे कागज़ की ज़रूरत है, ना तुम्हारे जो खाते नंबर की ज़रूरत है, तुम यहाँ से जाओ तो हम वहाँ से चले। इसलिए हम जो है अप्लीकेशन देने आए थे डीएम साहब के पास। 14 आदमी थी, उनका लिखो पढ़ करके सब पूरा मैंने सचिव और लेखपाल तो दे दिया है। मास्टर साहब ने भी उनको भेज दिया प्रयाग देहात, और हमारे पास ये कोनो ऐसी बात नहीं कि पैसा ना मिले, हमने लिख पढ़ करके भेज दी। नहीं तो ये बच्चे जो शिकायत करने आए हैं क्यों आए हैं? अब उनको पैसा ना मिला है जो आए हैं, जिन जिन लोगों को नहीं मिला। अच्छा, जिनको कुछ आदमियों को मिल गया है पैसा इसमें और कुछ को नहीं मिला है। मैं ग्राम वाली से रहने वाला हूँ, मैं आया वास्ते हूँ, नाम जी है। 14 दिन क्वारंटीन में रहे, लेकिन इसमें कहते थे लाभ मिलेगा लाभ मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग आते हैं मोदहा में, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे आके बुलाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद कहीं और बुलाते हैं, कहीं मोदहा आओ कहीं भरुआ आओ। आने के बाद कोई समस्या की समाधान हमारे नहीं होती। हमें 5 महीने पैसे भटकते भटकते हो गए। आने के बाद कहते हैं कि इतना जब आपका काम होगा कि पैसे लगेंगे, इसका चार्ज मांगते हैं। कौन पैसा मांगता? लेखपाल। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है भैया। मेरा नाम आमिर है। हम लोग बाहर से आए थे तो गांव में क्वारंटीन पूरा किया 15 दिन स्कूल में, और गांव वाले बोलने लगे कि पैसा आएगा तुम्हारे लिए बाहर से आए हो, तो बोले लेखपाल के पास कागजात जमा कर दो, फोटोकॉपी पासबुक की आधार कार्ड की। हम लोग जमा कर दिए 2-3 बार, एक बार 50 रुपये खर्चा करके हम लोग मऊदा आ गए, तहसील में जमा किया और एक बार गाँव में दिए और एक बार उसके गांव गए देने। पैसा हमारा आ नहीं रहा है। एक दिन गांव आया, बोला था पहले खर्चा पानी दो, इसके बाद हम तुम्हें पैसा निकाल के देंगे। कौन बोल रहा था? लेखपाल बोल रहा था, आवाज नरेश। इस्लाम अली नाम है। समस्या यह है कि हम लोग बाहर से आए थे, 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, तो उसमें हम लोगों को ना बाद में आए छूटे हैं, तो उसमें ना राशन मिला ना वो मिला है। ऊपर से जो बोल रहे थे लेखपाल भी बोल रहे थे कि पैसा के लिए, तो वो सब कुछ नहीं मिला। ऊपर से जो भी रहता है तो सब लोग यही बोलते हैं कुछ खाने का भी तो ही मिलेगा। क्यों नहीं मिला? आपने कहा नहीं अधिकारियों को? तो अधिकारियों से इसलिए एप्लीकेशन डालनी है।